तो दोस्तों बांके बिहारी जी के दर्शन करके अब हम आ गए हैं इस्कॉन टेम्पल में, और अब यहाँ टेम्पल में दर्शन करते हैं फिर आगे अपना जो दूसरा डेस्टिनेशन होगा उसके बारे में बताएंगे। तो फिलहाल चलते हैं इस्कॉन टेम्पल के अंदर। ये दोस्तों जब एंट्री करते हैं तो यहाँ से आपको अलग अलग लाइन देखने को मिलेगी। इस्कॉन टेम्पल तो दोस्तों अब इसके आगे जो है फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। अब अंदर मतलब मंदिर के अंदर जो है फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। अब अंदर चल रहे हैं मंदिर के, तो अब मिलेंगे आपको फिर से गेट के बाहर। तो दोस्तों जब आप इस मंदिर में आते हैं तो ये मंदिर मिलता है जिसके अंदर प्रभुपाद का जो है पूरा विवरण दिखाया हुआ है। तो भारत से गए थे और उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, तो ये पूरा जो है इस्कॉन मंदिर के अंदर ये एक बोले तो संग्रहालय टाइप में है जिसके अंदर इस्कॉन को दर्शाया। दोस्तों इस्कॉन टेम्पल से बाहर आ गए और अब चलते हैं। टाइम काफ़ी हो गया, 12 बजे के आसपास का टाइम हो गया है, तो अब कुछ ना कुछ खाते हैं। चलिए गर्मी का समय हो गया, फिर रेस्ट करेंगे, फिर निकलेंगे।